क्लास 10th का अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी का क्वेश्चन 7। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है तो मीनार की ऊंचाई और भवन की ऊंचाई दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या बोल रहा है? 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ये हमने एक भवन लिया, ये 15 मीटर ऊंचा है। भवन के शिखर से मीनार, एक मीनार और लेना है, ये हो गया मीनार। तो भवन के शिखर से मीनार का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, तो ये हमने एक लाइन खींच ली बेस। ये कोण जो है कितने अंश का है? 60 अंश का है। भवन के शिखर से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है और मीनार के पाद से, ये है मीनार का पाद बिंदु, यहाँ से अवनमन कोण 30 अंश है। अवनमन कोण क्या होता है? ऊपर से देखा जाता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण आ रहा है उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखने पर जो कोण आ रहा है, और ये क्षैतिज दूरी के हिसाब से ये कोण होता है अवनमन कोण। ये कोण है 30 अंश। इस रेखा को हम मिला देते हैं, ये दूरी हमको ज्ञात करना है भवन से मीनार की दूरी। ये कोण जब 30 अंश है तो हम जानते हैं दो भुजाओं से यदि एक तिर्यक रेखा गुजरती है तो ये कोण कौन सा कोण कहलाता है? एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर होते हैं, मतलब ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, ये हो गए एकांतर कोण। अब हम ले लेते हैं ये ए बी भवन और सी डी मीनार, ये बिंदु लिया हमने ई। अब हमारे पास क्या है, देखिए हम किस कोण से क्या निकाल सकते हैं। हमको निकालना है एक मीनार से भवन की दूरी और निकालना है सी डी मीन्स मीनार की ऊंचाई। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी ए बी डी, इससे हमको क्या मिलेगा? भवन से मीनार की दूरी और आधार मिल जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इस त्रिभुज के लिए थीटा का मान क्या है? 30 अंश। तो टेन 30 बराबर लंब हुआ ए बी और आधार हुआ बी डी। टेन 30 का मान क्या होता है? सारणी से आप देख सकते हैं 1/3। मैंने इसी चैनल में सारणी बनाना भी सिखाया हुआ है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं सारणी कैसे आसान तरीके से बनाई जा सकती है। ये 1/3 बराबर ए बी भवन कितने का हो गया? 15 मीटर बटे बी डी। हमको आधार निकालना है और यही आधार भवन से मीनार की दूरी होगी। तिर्यक गुणा करेंगे तो बी डी बराबर, ये तिर्यक गुणा किया, 15/3 मीटर। ये हमारा हो गया भवन से मीनार की दूरी। ठीक, अब हमको निकालना है, चित्र देखते हैं इधर, भवन से मीनार की दूरी हमारी निकल गई 15/3। देखिए जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ऊपर के पॉइंट से भी है, तो यह भी हो गया 15/3, जो कि त्रिभुज ए सी बी ई के लिए आधार कहलाएगा 15/3। अब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ई और डी की दूरी इस दूरी के समान है, मतलब ये भी 15 मीटर है। अब यदि हम सी ई ज्ञात कर लें तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी सी ई ए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान यहाँ पर हमारे पास है टेन 60 बराबर लंब हुआ सी ई और आधार हुआ ए ई।
1060 का मान क्या होता है? करनी तीन, करनी तीन बराबर CE हमको ज्ञात करना है और आधार हुआ 15 करनी तीन, AE का माप हुआ 15 करनी तीन। अब इसमें हम फिर लेंगे तिरका गुणा करेंगे तो CE बराबर 15 करनी तीन गुणे करनी तीन, करनी तीन और करनी तीन का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? तीन, तो 15 गुणे तीन बराबर 45 मीटर। अभी हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात नहीं हुई है, सिर्फ CE ज्ञात हुआ है। अब हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो मीनार की ऊंचाई है CD, CD बराबर CE प्लस DE, CE है हमारे पास 45 और DE है 15, कितना हो गया 60 मीटर मीनार की ऊंचाई।